चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भारत पर मिली जीत का यकीन खुद नहीं हो पा रहा है। हर बार भारत से बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान को इस बार किस्मत के सहारे जीत क्या मिली, पूरा पाकिस्तान जीत के नशे में पागल हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने पहले तो भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया, उन पर जोक्स बनाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां के एंकर ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। कई मैच हारने के बाद पाकिस्तान गलती से एक मैच क्या जीता, बोल न्यूज चैनल का एंकर आमिर लियाकत पागल हो गया। अपने पागलपन में लियाकत के मुंह में जो आया वो बोलता चला गया। लियाकत ने सबसे पहले ऋषि कपूर को निशाने पर लिया और कहा, आज सही मायनों में कपूर्स को पता चला होगा कि कपूरें कैसे बनाए जाते हैं और कपूर्स को मालूम हुआ होगा कि बाप कौन होता है। आज पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी टीम ने भारत को खास तौर पर यह बता दिया है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया था, लिहाजा फादर्स डे भी हमारा है, तुम्हारे असल बाप हम हैं और हमने बता दिया बाप बाप होता है। आमिर लियाकत यही नहीं रुका, उसका अगला निशाना प्रधानमंत्री मोदी थे। अपनी सड़क छाप भाषा में आमिर लियाकत ने कहा, मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहता हूँ कि तुमने जो पाकिस्तान का पानी रोक रखा है उसी में जाकर डूब मरो। चुल्लू भर पानी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रोके हुए पानी में डूब जाओ। यूट्यूब पर आमिर लियाकत का करीब 38 मिनट लंबा वीडियो है जिसमें वो इसी तरह की बकवास करते चला जा रहा है। उसकी बातें सुनकर लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि खेल को केवल खेल की तरह ही लिया जाता है, अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं। जहां तक जीत की बात है तो भारत पाकिस्तान के साथ 10 में से 9 मैच जीतता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।